किसको लुक आफ्टर करना है? तू, तुम्हारा हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होंगे, सब होंगे, तो नई जनरेशन कैसे मैं अकेले पैदा कर लूंगी? है वो सामने वाले का क्या काम होगा? सब कुछ मैं ही करूँ? कर रही हूँ ना, तुम्हारी माँ दिख नहीं रही। हाँ तो आप करो ना, वेरी गुड। से पापा कुछ नहीं करते, वैसे मैं भी कुछ नहीं करूँगी। चल रहा है ना, यहाँ खूब अच्छी चल रही है, यहाँ भी अच्छी चलेगी, चिंता मत करो। आपने बोला है ना, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट जैसे होते हैं, तो मेरे बच्चे अपने आप ही काम करेंगे, आप टेंशन मत लो। सॉर्टेड है। तो आज पूरी मंडली को लेके चलते हैं हम कॉलेज। Stop this world from spinning like Superman. You were the भैया 50 मिनट हो गए जब मुझे सीखने की लगन थी ना सुबह 5 बजे। तो आपने 200 करोड़ गाड़ियां भी ठोकी है, ठीक है, यहाँ रह रहे तो आर यू मैड? खुद ही बताती हो कि गटर में गिरा दी थी, उस गड्ढे में गिरा दी थी, उसको ठोक दिया था, उसका ये कर दिया था, पीछे का ऐसा हो गया था, मामा को पिटाई पड़ी थी उसके चक्कर में। रहना तो आपकी सारी किस्से पे, मामा को फोन करो, अभी वो 10 बता देंगे आपको। देखो गाइस कितने लोग बैठे हैं, चार। पीछे वाला बैठ भी पा रहा, उसका पिछवाड़ा भी बाहर आ गया पूरा। ये लो एक और, चार लोग। हमने करा ना बचपन में एक दो बार ऐसे, नहीं करा क्यों? स्कूटर नहीं होता था पहले हमारे पास, उसमें करते थे ना हम लोग। स्कूटर तब था जब हम 3 मेंबर थे, तो जब हम 4 थे हमने कभी नहीं करा। नहीं वो क्यों, धक्का नहीं मारती थी मैं श्रीनगर में उस पहाड़ से नीचे, उसका स्कूटर को चलता था। वो ट्रायल के लिए पापा स्टार्ट करते थे कि इसका इंजन खराब ना हो जाए, बना के दे जाए। किसको लुक आफ्टर करना है? अपने आप को। नहीं अभी नहीं, क्या लाइन बोली थी वापस बोलना एक बार। नई जनरेशन, क्यों? तुम्हारा हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होंगे, सब होंगे, तो नई जनरेशन कैसे मैं अकेले पैदा कर लूंगी? है वो सामने वाले का क्या काम होगा? सब कुछ मैं ही करूँ? कर रही हूँ ना, तुम्हारी माँ दिख नहीं रही। हाँ तो आप करो ना, वेरी गुड। से पापा कुछ नहीं करते, वैसे मैं भी कुछ नहीं करूँगी। चल रहा है ना, यहाँ खूब अच्छी चल रही है, यहाँ भी अच्छी चलेगी, चिंता मत करो। आपने बोला है ना, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट जैसे होते हैं, तो मेरे बच्चे अपने आप ही काम करेंगे, आप टेंशन मत लो। मेरी जिंदगी सॉर्टेड है। तो मेरे मम्मी बैठे रहेंगे, मैं तो काम करती हूँ इतने, आप लोग तुम्हारे भी कर लेंगे ग्रैंड पेरेंट। पता नहीं अब तुम्हारे बच्चे किसके तरह, पापा की तरह की मम्मी की तरह? और तुम्हारे? मेरे तो आप ही की तरह होंगे, क्या करूं मैं? की तरह होंगे दीदी। ठीक है, हम सारे सोते रहेंगे, स्लीपिंग ब्यूटी। नहीं खाना तो बनाएगा, समय बना के दूंगी इनको। मेरे बाल झड़ गए होंगे, पागल हो गई मम्मी, बचे नहीं है सबके ऊपर। क्या है ये जुल्फे? नहीं है ले बेट, और भी खींच के मेरे बाल ऐसे ऐसे खींचती है। ये देखो वो रही हमारी मंजिल, ये रही मंजिल हमारे। मम्मी क्या बोल रही है कि इनके बाल क्यों झड़ रहे हैं? इनके बाल इसलिए झड़ रहे हैं कि क्या करके चिल्लाती है पूरे टाइम। चुप हो जाओगे दीदी थोड़ी देर, कैमरा को क्यों लेके आए? देखिए मम्मी क्या करती है, मेरे हॉस्टल आ जाती है कर, और मेरे हॉस्टल से खाना खाती है। कितनी गलत बात होता ना, जरा हमसे नहीं खा जाता होगा ना, वो ये आके खाती है 200 किलोमीटर दूर से, और फिर बोलती बहुत अच्छा बना है, तुम तो ऐसे ही बोलते हो। मेरे को नहीं खाना यार। तो किसी को कड़ी चावल नहीं पसंद तो क्या कर सकते हैं? हाँ तो क्या कर सकते हैं, जिसको कुछ भी पसंद है तो क्या कर सकते हैं? हाँ जिसको तुम्हें अगर स्कूटी चलाने को दी जाए दोनों चला लोगे? उसके अंदर रेस होती है, उसके अंदर पेडल नहीं होते। अरे यार आता है यार हमको चलाना, हम चला लेंगे यार, थर मत खाओ हमारा। जब देखो जान देखो सब कुछ कह गई यार, फिर भी चुप नहीं रही है यार, वो कैसे बैठी हुई है? हमें और टेढ़ा मुँह करो, थोड़ा टेढ़ा मुँह करो,
तेरे दांत बाहर निकाल दस जैसे भूखा वो डायन नहीं देखती ऐसे बना मम्मी देखो मम्मी देखो तुम्हारा चाटे की बहुत आवश्यकता है और एक सीखने के बाद तुम्हारा मुंह भी सही दिमाग भी सही सारी सब कुछ और ट्रैक पे चलेगा मैं भी देख तो इसको भी मारो इसको तो मारा नहीं बचपन से मेरे तो बेल्ट जूता चप्पल लकड़ी डंडा वाइपर टीवी के रिमोट से लेके चम्मच तक सबसे मारा है नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेट्रो से जाना चाहिए हर जगह आराम से बैठो एक घंटा काम करो अपना इसमें गाड़ी भी अपनी पेट्रोल भी अपना पहले तो इतनी महंगी गाड़ी खरीदो फिर उसकी हर महीने इंश्योरेंस भरो ठीक है फिर उसकी सर्विसिंग कराओ फिर गाड़ी कैसे चलाओ अच्छा हाथ में दर्द नहीं हो जाता वो जरा जरा नहीं हो रहा आपके हाथ में दर्द मेट्रो स्टेशन जो यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है इसमें अगर तुम घूम गए तो बस हाँ जी और यहाँ से लेते हुए हम लेफ्ट फॉर कॉलेज तुम्हारे कॉलेज का बोर्ड तो जरा सा लगा है अरे ये छोटा वाला ये लगा हुआ है और बड़ा वाला वो लगा हुआ है और ये अम्बेडकर जी का लगा हुआ है आज हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी है जो एनुअल होती है वो तो टोपी और छालने वाली वो वाली बोर्ड भी लगा हुआ है कॉन्वोकेशन का लेट्स गो अंदर चल के मिलते हैं अभी कैमरा लगाऊंगी तो पता नहीं फोन ले ही ले मेरा कैमरा बहुत दूर मिली है पार्किंग उनको मेरे को क्या बोलनी है कि मेरा मुंह ऐसा हो गया ऐसा है मेरा मुंह ऐसा तो नहीं मेरा ऐसा है ना इतना ज़्यादा लंबा चल के जाना पड़ेगा कि दो गाड़ी पर थे तो क्या करें यहाँ से टाप के चले जाते तुम्हारा रूम ये पिछली बार मेरा लॉक तोड़ना पड़ गया था कमरे का क्योंकि चाबी गुम गई थी तो अभी लॉक लेने जा रहे हैं अंकल ताला में जा इतना शोर है ना यहाँ बाय गॉड द्वार का क्या भी नहीं आती इससे ज़्यादा शोर है यहाँ पे फाइनली भैया पता नहीं कितने महीने से तो एक कमरा बंद पड़ा है ताला लाए अब जाके बंद करेंगे अरे रब्बा लाइटों को क्या हो गया गोप्रो गोप्रो इसको भी थोड़े से मार्गदर्शन की मैडम को कैसे जॉब और अच्छा भी लगे अच्छी लग रही हो और तुमने रेडियो से इतना वेट कर लिया क्या खाया अच्छा इनका बड़ा कब था मुझे ये बताना जरा फर्स्ट ईयर मुझे तो नहीं आता घर तुम एक बार भी नहीं आई आई थी आई थी किसको बोल रही हो बनाने के लिए ऊबर को अर्बन क्लैब अर्बन क्लैब अर्बन क्लैब को हॉस्टल में घुसने देंगे ये लोग हाँ कि मैम मेरे को पूरा कमरा चक्का चक करवाना है 5,000 में है कहाँ बैठोगी आप इधर बैठोगी यहाँ से भगा देगा कोई आपको आ जाओ अब तो खत्म हो गया मतलब सुबह होता है कॉन्वोकेशन फर्स्ट ईयर में करा था अटेंड खूब खाना खाया था दिन रात मतलब अभी भी चले गए वो मतलब मेन वो कोर्ट वाली सेरेमनी तो खत्म हो गई कोई नहीं अगले साल होगी तब आप तो को दिखा देंगे क्या कर पड़ रहा है अब तो जो घुस रहे होंगे उनको तो बहुत टाइम लगेगा ना तो जो मैं बोल गया आपको समझ में आया था पहले बट कोई नहीं वरना हमारे कॉलेज में मनीष सिसोदिया जी आते हैं जब कॉन्फिकेशन होता है एंड अभी तो खत्म हो चुका है तो वो चले चुके हैं चले जा चुके हैं लेट्स एंटर से उधर से एंटर करना चाहिए था बट कोई नहीं इधर से भी कर लिया और ये सारे जो हमारी मेन टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे इन्वेंशन कर रखे हैं उनके स्टॉल्स लगे हैं ये आर्किटेक्चर ब्लॉक का देखो ये सब लगे हुए डिग्री लेने के लिए अपने ये सब पेरेंट्स बैठे हुए अपने बच्चों के साथ की डिग्री देते हैं हम कॉलेज में एंड यहाँ हुआ था सुबह इवेंट सो दैट्स इट इतना ही दिखा सकते बाकी सब तो ख़त्म हो गए
दीदी तू हेलो वेरी बैड। अब तो उड़ी नहीं मिलेगी। मैं तेरी सारी वीडियोस देखती हूँ सृष्टि। नहीं देखती है यार, इनकी सारी देखती हूँ। कंपनियाँ जो हमारे यहाँ आती हैं तो पूछते रहते हैं ना कौन आती कंपनियाँ, ये देख लो तुम अपना नाम ढूंढ लेना कंपनी। अभी वहाँ पूछ के भी आई कि फर्स्ट ईयर के हॉस्टल एंड ऑल का क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ मतलब क्या चल रहा है। तो वहाँ पे जो मेन होता है ना बंदा जो बताता है वो है ही नहीं, तो पूछती हूँ फिर बाकी उसे, फिर बताती हूँ आप लोग को, है ना। और मैं वहाँ गई तो वहाँ टोकन ले रहे हैं बच्चे और वापस दे रहे हैं अपनी वो कैप और जो वो पहना था ऊपर, सुबह लेके शाम को वापस देना होता है ना, ना 300 रुपये ले लें यार। ये प्लीज़ फैकल्टीज़ को मत भेजना ये चीज़। चलो घर चले। हाँ तो रेडी है। चलो चलो ठंडा तो आइसक्रीम तो जरूरी है ना, आइसक्रीम।